एक ऐसा देश जहां महिलाओं को अनजान लोगों से हाथ मिलाना गैर कानूनी है, या फिर एक ऐसा देश जहां का हर एक व्यक्ति अपनी गोद ली हुई बेटी से विवाह कर सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनोखे कानूनों वाले इस्लामिक देश ईरान के बारे में और जानेंगे कुछ अनोखी बातों को जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ईरान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है तथा ईरान की राजधानी तेहरान है। 2017 के रिपोर्ट के अनुसार ईरान की जनसंख्या 8.12 करोड़ के लगभग है तथा यहाँ भारत का एक रुपया 466.67 ईरानियन रॉयल के बराबर है। करेंसी के हिसाब से ईरान भारतीयों के लिए एक बेहद सस्ती जगह है। यहाँ के 90 से 95% शिया मुस्लिम और 5 से 10% सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। ईरान की सीमा अफगानिस्तान, अर्मोनिया, अज़रबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान से मिलती है। इसके अलावा यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका समुद्र तट कैस्पियन सागर और हिंद महासागर दोनों से मिलता है। साल 1989 से पहले ईरान के अधिकांश लोग काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न माने जाते थे और वेस्टर्न देशों के लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन साल 1989 में ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ जिसके बाद यहां पर सख्त इस्लामिक कानून लागू हो गया। ईरान में एक खास तरह की अलग से पुलिस होती है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ यहां देखना होता है कि यहां के सभी लोग इस्लाम के मुताबिक कपड़े पहन रहे हैं या नहीं। ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक देश है और इससे पूरी दुनिया का लगभग 10% ऑयल रिजर्व अकेले ईरान में ही मौजूद है। ईरान की कुल इनकम का लगभग 60 से 70% खनिज तेल के द्वारा आता है। ईरान में महिलाओं को घर से बाहर काम करने से पहले घर के पुरुष या मुखिया से अनुमति लेनी होती है, जबकि किसी 9 वर्ष से अधिक की उम्र की लड़की या महिला को पब्लिक प्लेस में जाने से पहले हिजाब पहनना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर उस महिला को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। तेहरान शहर ईरान की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तेहरान वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहाँ अनुमानित प्रतिदिन 27 व्यक्ति वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारी से मर जाते हैं। ईरान में यह कानून है कि कोई भी कपल अपने मर्जी से कुछ घंटे या कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के लिए शादी कर सकता है, जिसे यहाँ प्लेजर मैरिज के नाम से जानते हैं। ईरान में शराब पीने पर 80 कोड़े मारने का कानून है। फिर यहाँ के लोग चोरी छिपे शराब का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ शराब बैन है, फिर भी यहाँ पर हर साल 8 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत पहले से होता आ रहा है। ईरान में पहली पवन चक्की 9वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो दुनिया के सबसे पुरानी पवन चक्कियों में से एक मानी जाती है। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर पाबंदी है। इजराइल और ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित ऐसे देश हैं जो दोनों एक दूसरे से बड़े दुश्मन माने जाते हैं और इन देशों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। ईरान में शादी होने के बाद लड़कियों का स्कूल जाना पूरी तरह से मना है। ईरान के लोग एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी का अनुमति लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। ईरान में लड़का लड़की को शादी करने से पहले एक दूसरे के साथ कम से कम 1 घंटा बात करना ज़रूरी होता है। 2013 में बने एक कानून के अनुसार ईरान का कोई भी व्यक्ति गोद ली हुई बेटी से विवाह कर सकता है। उस लड़की की उम्र कम से कम 13 वर्ष की होनी चाहिए। ईरानी महिलाएं पब्लिक प्लेसेस में साइकिल या बाइक नहीं चला सकती हैं और यहां की महिलाएं स्टेडियम में जाकर पुरुषों के खेल भी नहीं देख सकती। इस देश में अमेरिकी और यूरोपियन मूवी पर पूरी तरह से बैन है। ज़्यादातर ईरानी नागरिक खाना डाइनिंग टेबल में खाने के बजाय नीचे बैठकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ईरान दुनिया में चेरी, अंडा, अंजीर, पिस्ता, अखरोट का 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ईरान में बहुत सारे विश्व धरोहर स्थल हैं। इस मामले में ये 7वें नंबर पर आता है। ईरान एक जवान देश है और यहाँ की 2/3 आबादी 30 से कम उम्र की है।
और यहाँ की लिटरेसी रेट 82% है। यहाँ के पुरुषों को टाई लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। ईरान में 15 साल से अधिक कोई लड़का या 9 साल से अधिक कोई लड़की अगर अपराध करने पर पकड़ा जाता है तो उसे सजा का हकदार माना जाता है। ईरान के लोग सिर्फ 15 साल के उम्र में ही वोट दे सकते हैं। ईरान में किसी भी फंक्शन या पार्टी में जाने के दौरान हाथों में फूल लेकर जाना यहाँ की एक अच्छी प्रथा मानी जाती है। ईरान में यदि किसी लड़की के साथ जब छेड़छाड़ या कुछ गलत होता है तो इसके लिए अपराधी के बदले लड़की की मां को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ईरान के ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि अगर लड़की की मां ने अपनी बेटी को संभाल कर रखा होता तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। ईरान की ऐसी सोच ही इसे दूसरे देशों से अलग बनाता है। ईरान के फ्लैग को साल 1980 में बनाया गया था। इस फ्लैग में 3 रंग हैं, जो कि हरा, सफ़ेद और लाल है, जिसमें हरा रंग विकास और इस्लाम का प्रतीक है, सफ़ेद रंग ईमानदारी और शांति, वहीं लाल रंग बहादुरी और शहादत का। सफ़ेद पट्टी के बीच में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस्लाम में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार है, मगर ईरान में सिर्फ पुरुष तलाक दे सकते हैं। यहाँ महिलाएं शादी से नाखुश होने पर भी तलाक नहीं दे सकती। अगर ईरान में किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो ईरानी पुलिस दोषी व्यक्ति को पीड़ित महिला के साथ विवाह करने को बाध्य करने की शक्ति रखता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। इस देश में 1958 में पहली बार टेलीफोन को इंट्रोड्यूस कराया गया था। इस देश में 23 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अनुसार दुनिया में 7वें और एशिया में 3रे नंबर पर आता है, और यहां पर हर साल लगभग 70 लाख विदेशी टूरिस्ट घूमने आते हैं। फुटबॉल ईरान में एक पॉपुलर खेल है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये अब तक 3 बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जबकि ये 3 बार एशिया कप भी जीत चुका है। यहाँ पर कई महान मुस्लिम वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है, जिनमें से एथेनॉल के खोजकर्ता मोहम्मद इम जकरिया राजी और एलजेब्रा के पिता माने जाने वाले मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म हैं, जो कि पारसियन गणितज्ञ थे। साल 2012 में ईरानी सरकार ने गूगल कंपनी पर यह आरोप लगाया कि गूगल ईरानी सरकार की जासूसी कर रहा है। इसके बाद ईरान ने अपना सभी ऑफिशियल काम करने के लिए खुद का एक अलग इंटरनेट बनवाया। ईरान के ज़्यादातर युवा अपने शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं, और इनमें लड़कियां भी शामिल है। ऐसे में शादी से पहले वर्जिनिटी वापस पाने के लिए लड़कियां सर्जरी करवाती हैं, क्योंकि शादी से पहले लड़कियों को वर्जिनिटी सर्टिफिकेट देना होता है, नहीं तो शादी नहीं हो सकती। साल 2013 में ईरानी सरकार ने एक ऐलान किया कि अगर कोई शख्स 50 वर्ष का है या किसी भी एज का है, वो 13 साल की उम्र की लड़की से विवाह कर सकता है, फिर चाहे वह उसकी गोद ली हुई बेटी क्यों ना हो। ईरान को दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक माना जाता है। ईरान में अमेरिकी फिल्मों पर प्रतिबंध होने के कारण यहाँ पर अमेरिका के टीवी शोज और फिल्मों के डीवीडीज की स्मगलिंग होती है, और वो बहुत ही महंगे में बेची जाती है, और स्मगलर के पकड़े जाने पर उसे 100 कोड़े और $900 का जुर्माना लिया जाता है। ईरान की संस्कृति अपनी सुंदर कविताओं, खूबसूरत महिलाओं और शानदार कालीनों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साल 2007 में ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात की एक मस्जिद के लिए एक कालीन तैयार की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कालीन माना जाता है, जो एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था। अगर बात करें यहाँ पर वैश्यवृत्ति के बारे में, तो यहाँ पर यह काम गैरकानूनी है, फिर भी यहाँ कुछ वर्षों में वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही है। सिर्फ तेहरान में लगभग 84,000 महिलाएं ऐसे कामों में शामिल है। हजारों महिलाओं को तो फ्रांस, जर्मनी और यूके तक भेजा जाता है। अगर बात करें यहाँ की खूबसूरत नाइट लाइफ के बारे में, तो यहाँ के हर एक जगह का नाइट लाइफ खूबसूरत होता है, चाहे यहाँ का बियर बार हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर यहाँ का खूबसूरत जगह हो, या फिर यहाँ का मार्केट हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।